बीटीएस सेना ने जिमिन को भारतीय बिरयानी आजमाने का सुझाव दिया, जिन एक विचित्र अनुरोध के साथ आता है। द बैंटन बॉयज उर्फ बीटीएस न केवल अपनी कला के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं, बल्कि अक्सर अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत करने के लिए भी जाने जाते हैं। जबकि के-पॉप बैंड लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर में अपने प्रशंसकों को अपडेट करता रहता है, साथ ही एक कोरियाई मोबाइल ऐप वीवर्स पर भी उनकी मजबूत उपस्थिति है। दिलचस्प बात यह है कि बैंड का एक सदस्य हाल ही में कोरियाई मोबाइल एप्लीकेशन पर दिखाई दिया और एक पोस्ट साझा किया, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या खाना चाहिए। तुम लोगों ने क्या खाया? भोजन के रूप में जैसे ही जिमिन ने पोस्ट छोड़ा, एक प्रशंसक ने तुरंत सुझाव दिया, आप बिरयानी ट्राई कर सकते हैं, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। हालांकि यह जिमिन का जवाब था जिसने सभी को हैरान कर दिया। जिमिन ने जवाब दिया, ओह मैं देख रहा हूँ कि यह भारतीय भोजन है, आगे जोड़ते हुए 26 वर्षीय गायक ने लिखा, काश कोई मेरे लिए खाना बना पाता, इसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है। भोज में शामिल होते हुए जिन ने लिखा, क्या मुझे इसे आपके लिए बनाना चाहिए? जिनके अनुरोध पर जिमिन ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन हंसते हुए, प्रिय मैं आपके पास जाऊंगा, आप कौन हैं? हंसते हुए अपने प्रशंसकों का मनोरंजन करते हुए जिन ने पूछा, आप मेरी टिप्पणियों को पूरी तरह से अनदेखा क्यों कर रहे हैं? जिस पर जिमिन ने जवाब दिया, आह हंसते हुए, मैंने इसे अब ह्यूंग बड़े भाई देखा। जिन ने उत्तर दिया, यदि आप क्षमा चाहते हैं तो मैं आपको जाने दूंगा। जिमिन के पेशेवर मोर्चे पर वह वर्तमान में अपनी एकल वापसी के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि सदस्यों ने इस साल जून में घोषणा की थी कि वे एक समूह के रूप में सक्रिय रहते हुए एकल परियोजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। समूह सियोल में एक संगीत कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। कॉन्सर्ट विश्व एक्सपो बुसान बोली के लिए बीटीएस द्वारा किए गए राजदूत कर्तव्य का हिस्सा है।